आओ नजदीक। कहाँ से प्रकट भाई? उत्तर प्रदेश चंदौली जिला से, बनारस। बोलो क्या बात है? हमारा क्या बात है जी? मेरा माइंड नहीं सही रहता है। अच्छा, और कोई बात? और घर पे हम रह नहीं पाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ? और गुप्त बात है। हाँ, बिना माइक के बोलो। अच्छा, किसके पास जाते हो तुम? पढ़े लिखे हो आप? पढ़ो। एक पहला तो लिखा, भक्ति प्राप्त हो जाए आपको, आपने ऐसी अर्जी लगाई होगी, माइक लो, लगाई है क्या? भक्ति प्राप्त हो जाए जीवन भर के लिए, काम पूरे हो में विचार हट जावे, दरबार में घर की अर्जी लगाई है, वहां कोई नकारात्मक शक्ति व जिंद बाधा आपको परेशान करती, दिमाग हवस व सेक्स के विचार लाती, गंदे विचार लाती, आपको बहुत ज्यादा व्यभिचार करने के लिए परेशान करती, तंत्र विद्या का प्रयोग है, दिमागी पागल नहीं हो, बाहर ठीक रहते हो, घर में परेशान हो जाते हो, तंत्र कट जाएगा, जाओ विचार ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद है। जय बागेश्वर महाराज की। क्या ये बात सही है? कोई संदेह नहीं? कोई संदेह? हमने एक मंत्र लिखा, बंधन कर देंगे, नियम का आप पालन करो, बालाजी दया करेंगे आज से ही, और एक कवच देंगे आपको ग्यारहवीं पेशी पे, इसमें हमने बल्कि नोट कर दिया है, तो ग्यारहवीं पेशी पर हम आपको कवच देंगे, उस कवच को लेकर के आपको बांध लेना, तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम घर में भी रहोगे, बहन के पास भी रह पाओगे, परिवार को समय भी दे पाओगे, तुम्हें घर से वह नकारात्मकता नहीं हटा पाएगी, उस जिंद को उल्टा यहीं टांग दिया जाएगा, आशीर्वाद है।